हेलो दोस्तों, आप लोग का एसडीटेक में स्वागत है। आज मैं आप लोग क्लास टेंथ का एसएससी का फॉर्म फिलअप किस तरीके से करें आप लोग को पूरा अच्छी तरीके से बताने वाला हूं। बस आप लोग क्या करना, अच्छे तरीके से देखोगे तो 100% आप लोग का पूरा फिलअप कर सकते हो इजीली। सबसे पहले आप लोग देखोगे यहां पर लिखा गया महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी हायर सेकेंडरी एजुकेशन पुणे, अप्लीकेशन फॉर्म एडमिशन टू एसएससी एग्जामिनेशन फॉर द फरवरी और मार्च और जुलाई और अगस्त का 2023 का दिया गया। आप लोग को अच्छे तरीके से किस तरीके से फिलअप किया जाए ये चीज़ मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसके लिए आप लोग को स्किप विदाउट स्किप किए आप लोग को पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है, तभी जाके आप लोग इजिली आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हो। देख रहे आप लोग, सबसे पहले आप लोग को क्या, और सबसे पहले ये बोलना चाहता हूँ कि सब कुछ आप लोग को इसे कैपिटल वर्ड में लिखना है, कैपिटल बड़े अक्षर में लिखना रहेगा। आप लोग देख रहे हो यहाँ पे पहला दिया गया है आप लोग का इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर आप लोग को स्कूल वाले भर के देंगे, उसका टेंशन लेने की बात नहीं, इंडेक्स आप लोग को स्कूल वाले देंगे। यूडीआईएससी नंबर, यूडीएस नंबर रहता है वो भी स्कूल वाले आप लोग को देंगे। आप लोग को बस क्या भरना वो सब मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। इंडेक्स नंबर स्कूल वाले भरेंगे, यूडीएस नंबर स्कूल वाले भरेंगे, उसके बाद स्टूडेंट सरल नंबर जो दिया गया ये भी स्कूल नंबर स्कूल वाले ही सब कुछ भर के देंगे। एप्लीकेशन नंबर स्कूल वाले भरेंगे कितना नंबर पे आप लोग को, फॉर्म जो अगर आप लोग पहले पे फॉर्म तुरंत जाके आज ही दिए आज ही आप लोग फिलअप कर देते हो तो यहाँ आप लोग का पहला नंबर हो सकता है, और सेंटर जो सेंटर कहाँ पे नंबर जाने वाला है वो चीज़ यहाँ पे स्कूल वाले देंगे। इतना सब कुछ स्कूल वाले देने वाले यहाँ तक का पूरा, ए वाला स्कूल वाले भरेंगे, ए वाला और यहाँ पे दिया गया है ए वाला सब कुछ आप लोग को। ए अगर आप लोग पहले नंबर पे दे देते हो तो आप लोग को तुरंत का तुरंत आप लोग का पहला नंबर यहाँ पे आ सकता है। उसके बाद आप लोग को जो मेन भरना है, अगर आप लोग को ए गलत हो जाएगा तो आप लोग का जो रिजल्ट बनेगा सब कुछ गलत होने वाला है। इसके लिए आप लोग बहुत ध्यान से अच्छी तरीके से वीडियो को देखने के बाद तभी अपना फॉर्म फिलअप करें। सबसे पहले आप लोग देख रहे हो यहाँ पर लिखा है तीसरे नंबर पे लास्ट नेम सरनेम, और कैपिटल लेटर में लिखना है यहाँ पे अपना, सपोज मैं मौर्या हूँ तो यहाँ पे मौर्या लिखना है, कोई भी जगह नहीं छोड़ना गैप, आप लोग को सीधा मौर्या यहाँ पे लिख देना जो आप लोग का सरनेम हो। सब पहले में आप लोग को सरनेम लिखना है, उसके बाद आप लोग को यहाँ पे कैंडिडेट नेम अपना नाम लिखना है, उसके बाद यहाँ पे फादर नेम लिखना है और यहाँ पे मदर नेम लिखना है। ध्यान से सुना, सबसे पहले अपना यहाँ पे सरनेम आएगा, क्या आएगा सरनेम आएगा, यहाँ पे आप लोग कैंडिडेट नेम आएगा और यहाँ पे आप लोग को सपोज मान लो मैं आप लोग को भर के दिखाता हूँ, यहाँ पे इस तरीके से आ गया। अब यहाँ पे आप लोग कैंडिडेट नाम, तो यहाँ पे आप लोग अपना नाम लिख सकते हो इजीली, यहाँ पे होगा। अब उसके नीचे आप लोग अपना अपने पप्पा का नाम लिखना, इधर फादर नेम तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इस तरीके से फिलअप कर सकते हो। और नीचे आप लोग को मदर नेम लिखना है तो यहाँ पे इस तरीके से आप लोग का हो जाएगा पूरा। क्या हो गया, पहले आप लोग का सरनेम हो गया, उसके बाद कैंडिडेट नेम हो गया, उसके बाद आप लोग को क्या लिखना है फादर नेम लिखना है, उसके बाद आप लोग को मदर नेम लिखना है। इस तरीके से होने के बाद यहाँ पे आप लोग को अपना फोटो लगाना है और यहाँ पे अपना सिग्नेचर करना है। सपोज मान लो मैं सिग्नेचर कर देता हूँ, यहाँ पे एक सिग्नेचर हो गया, यहाँ पे सिग्नेचर कैंडिडेट सिग्नेचर आएगा। उसके बाद जहाँ पे रहते हो आप लोग यहाँ पे क्या करना है, एक्स वाई जेड मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे कैपिटल में ही अपने एड्रेस पूरा लिखना रहेगा, क्या लिखना रहेगा यहाँ पे पूरा एड्रेस लिखना रहेगा, यहाँ तक एड्रेस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड 401209 में लिख देता हूँ, ये मुंबई का है। तो इस तरीके से आप लोग को यहाँ तक फिलअप करना है और उसके बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखना है। तो मैं मोबाइल नंबर आप लोग को सपोज मान लो इस तरीके से मैं लिख दिया, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद आप लोग का प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ मतलब कहाँ पे आप लोग का जन्म हुआ है वो चीज़ यहाँ पे लिखना है। सपोज मान लो यहाँ पे मैं मुंबई लिख देता हूँ, मुंबई लिख दिया, जहाँ पे आप लोग का हुआ है यहाँ पे लिखना। उसके बाद आप लोग का डेट ऑफ बर्थ लिखना है, डेट ऑफ बर्थ किस तरीके से लिखना है ध्यान से सुनना। अगर आप लोग का डेट ऑफ बर्थ है, सपोज मान लो यहाँ पे लिखना है डेट लिख दिया, उसके बाद यहाँ पे आप लोग का सपोज महीना
जो 1, 2, 3 तीसरे महीने जनवरी फरवरी इस तरीके से। तो यहाँ पे पहले 0 लिखना फिर 1 लिखना, जनवरी में हुआ है तो यहाँ पे 0 यहाँ पे 1। अगर 15, 12 हुआ है तो सिंपल से 12वां महीना चल रहा है, 11वां, 10वां तो यहाँ पे लिख सकते हो। अगर 0 है तो सिंपल से इसे 0, 7वां महीना 7वां, यहाँ पे क्या लिखना है ईयर, तो लिख सकते हो आप लोग कोई भी ईयर लिख सकते हो। इस तरीके से मैं सैंपल आप लोग को बता रहा हूँ किस तरीके। और यहाँ पे आप लोग को 12 नंबर आधार कार्ड नंबर रहता है, तो आप लोग आधार कार्ड नंबर यहाँ पे लिख देना है। इस तरीके से मैं सैंपल बस लिख रहा हूँ, आप लोग को बस बता रहा हूँ किस तरीके से फिलअप करना। अब उसके बाद आप लोग को जेंडर लिखना है। बहुत बच्चे इसी वीडियो देखने के बाद नहीं भर पाते, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ एकदम अच्छी तरीके से वीडियो देखो, इजीली आप लोग भर लोगे, आप लोग किसी की ज़रूरत नहीं रहे। अब आता है जेंडर, जेंडर में देखो 1, 2, 3 दिया, मतलब मेल फीमेल इस तरीके से दिया है। और आप लोग को क्या करना है इसमें, इस पर नहीं टिक आउट करना। यहाँ पर दिया गया मेल हो तो आप लोग 1 नंबर पर है तो 1 नंबर लिख दो। उसके माइनॉरिटी देता आप किस जात में आते हो, रिलीजन में किस में आते हो, आप लोग मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्ध, सिख, फारसी किस में आते हो। अगर किसी में नहीं आते तो आप लोग 0 पे यहाँ पे लिख सकते हो। जब किसी ये सब जो चीज़ दिया है अगर इसमें से नहीं आते तो आप लोग नॉन माइनॉरिटी लिख सकते हो सिंपल सा। उसके बाद आप लोग कैटेगरी आता है, जिस कैटेगरी में ओपन, ST, OBC जिस में आते हो। आगे नंबर दिया गया है तो यहाँ पे इजिली आप लोग लिख सकते हो, तो यहाँ पे ओपन भी आ सकता है। जब कुछ ना मालूम पड़े तो सिंपल सा आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे ओपन लिख सकते हो। तो इसका नंबर क्या है 09, तो सिंपल सा लिख देना। उसके बाद दिव्यांग लिखा गया है, आप अगर कोई चीज़ आप लोग को प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम आप लोग का पैर कुछ ऐसा इशू है, तो यहाँ पे आप लोग दूसरा नंबर डालोगे 1 to 22 में से। अगर नहीं कुछ है तो नॉन हैंडीकैप, मतलब इसमें 00 डाल देना बस। इजली मैं आप लोग को यही करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहो। अब यहाँ पे देखो मीडियम आता है, इंट्रेक्शन दिया, आप किस मीडियम से पढ़ रहे हो, जो पेपर देने वाले किस मीडियम से, तो इंग्लिश, मराठी, गुजराती, कन्नड़, उर्दू, सिद्ध और एक तेलुगु, हिंदी। तो अलग सिंपल से इंग्लिश मीडियम से, तो यहाँ पे 1 नंबर पे है तो 1 नंबर यहाँ पे लिख दो। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देखोगे जो मेन है, सबसे मेन 14 नंबर पे 14 कैंडिडेट इस तरीके से दिया गया। आप लोग फ्रेश हो, रिपीटर हो, अगर दोबारा आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हो तो यहाँ पे रिपीटर पे 2 नंबर लिखोगे। अगर फ्रेश हो, पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हो, तो आप लोग यहाँ पे क्या लिख दोगे, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 नंबर आ जाएगा। और दूसरे वाले पे बी वाला जो दिया गया है यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप लोग प्राइवेट तो कर नहीं रहे हो, रेगुलर में हो, तो यहाँ पे 1 नंबर आ जाएगा इस तरीके से। अब ए वाला अगर आप लोग देखो, इसमें अगर आप लोग दूसरा 2500 कैंडिडेट दिया गया है, अगर आप लोग दोबारा कोई जो छोटा आप लोग का पेपर देना, सिर्फ 1-2 का पेपर देना चाहते हो तो यहाँ पे ए वाला लिखना, और नहीं तो आप लोग सिंपल सा 2 नंबर यहाँ पे डाल देना इस तरीके से। उसके बाद आप लोग को ए वाला दिया गया वोकेशनल, आप लोग कोई अदर सब्जेक्ट लियो तो आप लोग इसमें से करो, अदरवाइज इसी तरीके से रहने देना, वो मिस आप लोग को भर देंगे। यस सर, आप लोग को देख रहे हो ये चीज़, आप लोग कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि ये जो आप लोग का पेपर रहेगा वो लैंग्वेज कोड है, वो आप लोग के सर भरेंगे। और यहाँ पे आप लोग का सीट नंबर दिया रहेगा प्रीवियस, इस तरीके से दिया गया है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम का। इधर देखो पासड सब्जेक्ट आदर वाइज कैंडिडेट आदर क्लेम एग्जामिनेशन, इस तरीके से दिया गया है। आप लोग को इतना बता, और पीछे कुछ दिया उसको भी मैं आप लोग को बताता हूँ। और यहाँ पे बहुत कुछ दिया गया है, किस साल, इनरोलमेंट नंबर, यस या नो, इस तरीके से सब कुछ दिया गया। तो आप लोग को ये सब कुछ भी नहीं भरना है, ये सब कुछ भी नहीं भरना है आप लोग को, सब ऐसे ही रहने देने का है। आप लोग का मिस जो रहेंगी और या सर, तो आप लोग का पूरा ऑल टोटल आप लोग को फिलअप कर देंगे। यहाँ पे देखोगे डॉक्यूमेंट्स दिया गया है और यहाँ पे सब कुछ दिया गया है, ये सब आप लोग कुछ नहीं करना है। यहाँ पे नीचे जाके आप लोग एक चीज़ करना है, ये लास्ट में यहाँ पे जहाँ से आप लोग बिलोंग करते हो यहाँ पे आप लोग मुंबई लिख सकते हो, यहाँ पे भी कैपिटल में आप लोग को लिखना रहेगा। मुंबई लिख देना, उसके बाद डेट यहाँ पे किस दिन आप लोग फिल ये जा रहे हो जमा करने यहाँ पे लिखना, और यहाँ कैंडिडेट सिग्नेचर कर देना। इस तरीके से हो जाने के बाद आप लोग का पूरा जो था वो मैं आप लोग को बता दिया।
अगर इस चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना और जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर करना जिससे और लोगों की हेल्प हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन भरी हुई वीडियो के साथ।